खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। उत्तर भारत में फिर से भीषण बर्फबारी के रूप में कहर बरपाने आ रहा है एक नया पश्चिमी विक्षोभ। शुरुआत कश्मीर और हिमाचल में ऊंचे इलाकों से आज हो जाएगी। धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा और श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल सहित अधिकांश इलाके गिरफ्त में आएंगे और आशंका है कि 6 से 8 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर भारी हिमपात के साथ बर्फ का तूफान भी देखने को मिल सकता है। प्लेन्स में भी उस दौरान बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज प्लेन्स में हवाओं का रुख बदलेगा। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं की जगह लेंगी दक्षिण पूर्वी हवाएं, जिससे अमृतसर से लेकर चुरू, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के शहरों में तापमान बढ़ेगा और शीतलहर से राहत मिलेगी। साथ ही कोहरा भी अब कम हो जाएगा, हालांकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिल्ली प्रदूषण वेरी पुअर जोन में ही बना रहेगा। ईस्ट इंडिया के कुछ भागों, खासकर ईस्ट उत्तर प्रदेश के शहरों में आज भी घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर की तरफ जाने वाली ट्रेनें लेट हो सकती हैं। आज प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान है। मौनी अमावस्या ही कुंभ का प्रमुख स्नान भी माना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को मौसम से जुड़ी कोई खास परेशानी नहीं होगी, हालांकि ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। तापमान सुबह 10 डिग्री और दिन में 25 डिग्री के आसपास रहेगा। सुबह के समय मध्यम कोहरा भी छाया रह सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। हिल स्टेशंस पर लाइट स्नोफॉल भी दिख सकता है। सेंट्रल और साउथ इंडिया के रीजन्स में मौसम कुछ खास नहीं बदलेगा, हालांकि बे ऑफ बंगाल पर बनी ट्रफ के कारण तमिलनाडु की साउथ कोस्टल सिटीज में अच्छी वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।